मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका BJMC, MJMC, MA मास कम्युनिकेशन, MPhil, PhD किसी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसके अलावा अगर आप नेट या JRF का भी पेपर देने जा रहे हैं, तो ये जो मैं फुल फॉर्म अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो इन फुल फॉर्म में से 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ। देखिए IPTV पहला है, IPTV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। ये है क्या? ये टेलीविज़न पर जो इंटरनेट के द्वारा हम वीडियोस वगैरह देख सकते हैं या कुछ भी देख सकते हैं, वो उसे IPTV कहते हैं। मतलब टीवी ने ऐसी सर्विस दे दी है कि वाया इंटरनेट हम जो भी उसमें देख पाते हैं मंगा के। दूसरा है साइट, तो साइट आप देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें देखिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि साइट इसमें से किससे रिलेटेड है, न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल पूछ देगा, मतलब टेलीविज़न, रेडियो या फिर साइट का मतलब इंटरनेट से पूछ देगा, तो आप साइट और वेबसाइट का अंदाज़ा लगाएंगे, फिर आप इंटरनेट टिक कर लेंगे, ये एकदम गलत हो जाता है। साइट देखिए, टेलीविज़न जब लॉन्च हुआ था दूरदर्शन, तो उसके लिए साइट की ज़रूरत पड़ी थी। साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ये मतलब है साइट का फुल फॉर्म है। तीसरा न्यूज़ कहीं कहीं पूछ देता है, मतलब छोटे लेवल के एग्ज़ाम में पूछता है, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। न्यूज़ का जो फुल फॉर्म होता है N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड साउथ, चार दिशाओं के नाम होते हैं न्यूज़ में। जो आपका अगला क्वेश्चन है AFP, ये न्यूज़ एजेंसी है। मैंने एक दिन न्यूज़ एजेंसी के सारी न्यूज़ एजेंसीज आपको पढ़ाई हैं। तो AFP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एजेंस फ्रांस प्रेस। ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। इसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें प्रेस की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। प्रेस की स्पेलिंग होती है PRESS, क्योंकि ये फ्रांस की है, फ्रांस के लैंग्वेज से थोड़ी मैच करती है। ये अगर सिंपल प्रेस लिखा है, लास्ट में ई नहीं लगा है, मतलब इंग्लिश में अगर लिखा तो वो ऑप्शन नहीं होगा, प्रेसे वाला होगा, प्रेसे लिखा रहता है, मतलब ई रहता है इसमें, AFP का फुल फॉर्म। अगला है AP का फुल फॉर्म भी पूछता है, ये भी न्यूज़ एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड प्रेस। AP का फुल फॉर्म एसोसिएटेड प्रेस होता है। नेक्स्ट वन है हमारा ANI भी आपकी एक न्यूज़ एजेंसी है। और मैं आपको फ़िलहाल बताऊं, ANI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। ये भी न्यूज़ एजेंसी है और एशिया की है। एशिया क्या, इसको हम कह सकते हैं इंडिया की ही है। अगला जो है UNI भी न्यूज़ एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। PTI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्क ऑस्ट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, मोस्ट आस्क्ड हैं। AIR का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। TRP ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आता है TRP किससे रिलेटेड होती है, रेडियो या फिर सिनेमा या फिर टेलीविज़न या फिर इंटरनेट। तो ये टेलीविज़न से संबंधित होती है। इसका फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अगला है VPN। तो VPN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि VPN किससे संबंधित है, तो VPN इंटरनेट से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके अलावा मैं एक और रह गया, ये तो कैसे आ रहा है, WWW, माफ़ कीजिएगा थोड़ा उल्टा आ रहा है, लेकिन आप ये क्वेश्चन जानते होंगे। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये भी इंटरनेट से संबंधित है। फिलहाल इतने फुल फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं हम, यही सीरीज़ देखते रहिएगा द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, मास कम्युनिकेशन से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारियों के लिए। एक जानकारी और है कि मास कम्युनिकेशन के लिए अगर आप IIMC, जो कि सबसे बड़ा कॉलेज है मास कॉम का इंडिया में, अगर आप उसमें जाना चाहें तो उसमें एडमिशन फ़िलहाल हो रहे हैं, और वो एडमिशन मेरिट बेस पे हो रहे हैं। तो बाकी चेक कर लीजिएगा आप जाके, एक अलग वीडियो भी है उस पर किस बेस पे होंगे। फिलहाल बनाए रखिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे थैंक्स।